some queries? Maha Bhasma Pari, aap yahan? Pari puri hum main. Aur ye meri burai ka tumse vaada hai dana raja. Agar is dwar ko kholne ke liye ek aise vishesh bacche ki avashyakta hai jiska janm 8ve mahine ki 8vi tarikh ko 8:08 par hua ho to main aise bacche ko zarur lekar aaungi. To bachcho, ab hum climate ke bare mein padhenge. क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. मोंटू. हाँ सर. क्लाइमेट चेंज हो सकता है लेकिन तुम कभी चेंज नहीं होंगे, है ना? पढ़ाई में ध्यान दो. सॉरी सर. तो क्लाइमेट में जो चेंजेस मोंटू, क्लासरूम में मोबाइल पे गेम खेलना अलाउड नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो कहाँ अलाउड है सर? साइलेंस. सॉरी सर. ठीक है मोंटू, अब तुम्हारी हरकत के बारे में मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा और ये कंपास स्कूल खत्म होने के बाद तुम अपने पापा से ले लेना, ठीक है? थैंक यू सर. सो स्वीट ऑफ यू. लाइए, अब मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए. मोबाइल के साथ कंपास अपने पापा से ले लेना बेटा, ओके? लेकिन सर. बैठ जाओ नीचे. बच्चों, रिसेस के बाद वाला पीरियड फ्री पीरियड है क्योंकि हम सभी टीचर्स प्रिंसिपल रूम में मीटिंग के लिए जाने वाले हैं. मानव बेटा, ये कंपास स्टाफ रूम में मेरे ड्रॉवर में रख देना, ठीक है? ओके सर. चल अब इस कंपास को स्टाफ रूम में रख दे. चल. सर ने मेरा कंपास बॉक्स स्टाफ रूम में रखवा कर गलती कर दी है. हाँ, सच्चा मोंटू बॉस का ना मुर्गा बना देते. ए, नहीं रे, अब मुर्गे में वो मजा नहीं रहा. मजा तो उठक बैठक कराने में है. बेवकूफो, अभी रिसेस है और मैं रिसेस में जाकर स्टाफ रूम से मेरा मोबाइल चुरा लूंगा. और जब सर के पास मोबाइल ही नहीं रहेगा, सर मेरे पापा को दिखाएंगे क्या? हाँ. मामा 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 मोंटू मोंटू मामा 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 मोंटू. मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मोंटू. तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी. वो विशेष बच्चा यहाँ कहीं नहीं है. मुझे कहीं और ढूंढना होगा. यहाँ वो बच्चा नहीं है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ है. मुझे कहीं और ढूंढना होगा. अरे करो कैसे मैं पता सब बच्चों की जन्मदिन की तारीख और समय. अरे है यहाँ पर तो कागजों का भंडार. ढूंढू कहाँ मैं उसे? सर, सारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट इस फाइल में है. इसमें उनके जन्म का दिन, समय और जगह के बारे में सब लिखा हुआ है. ठीक है, रख दो, बाद में देखता हूँ मैं. प्रिंसिपल साहब आ गए? हाँ सर, आ गए.
ठीक है चलो, मुझे भी उनसे जरूरी काम है। जा, जा, जा। मिल गया रास्ता। चलो ढूंढो मेरा मोबाइल। आठवां महीना आठवीं तारीख, समय 8:08। मिल गई मुझे जन्म पत्रिका। चाहे मेहर ही वो विशेष बच्ची जो चाहिए माँ भस्म परी को। मिल गया मेरा मोबाइल। अभी बताता हूँ ये खुशखबरी महा भस्म परी को। रुक जाओ। रख दो इसे वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अपने घुटने टेको जल्दी। अब अपने कान पकड़ो। पकड़ो और अब उन्हें खींचो। खींचो। ऐसा कभी मत सोचना नहीं कि तुम गलती करोगे और सजा भी नहीं मिलेगी। मोंटू रोहित केवल। मोंटू रोहित केवल है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बालवीर यहां तो खड़े हो जाओ। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। हमें प्लीज सजा मत दीजिए। बन गया मैं तो बुद्धू। कर रहा है बालवीर तो रोहित मोंटू केवल से बात। ठीक है मैं तुम तीनों को सजा नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम तीनों खुद अपने आप को सजा दोगी। हे नटखट परी, बना रहे सच्चाई और अच्छाई का मान। मोंटू रोहित केवल खींचने लगे एक दूसरे के कान। तौबा तौबा, अगर है नहीं मरोड़ने तुझे अपने कान तो चल निकल यहां से। कौन है वह? कौन है? तो कोई नहीं। फिर अभी बुलाता हूँ माँ भस्म परी को और कहता हूँ उसे कि है वो विशेष बच्ची महर डकली, ताकि वो पकड़े उसे तुरंत और ले चले दानों का नरक का द्वार खुलवाने के लिए। तुझे क्या हुआ? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। काश मैं दिल्ली से फौरन यहाँ पे आ जाती। अरे मानव, वो इतने दिन दिल्ली में थी, तूने उसका इंतजार किया ना, बस और 2 घंटे इंतजार कर ले। ओह, मतलब है नहीं मेहर यहाँ, बल्कि है वो दिल्ली में।
मानव सचिन सलोनी, मैंने स्कूल में सबको मेहर के बारे में बता दिया। अच्छा तो तूने ये भी बता दिया होगा कि तेरा और मेहर का बर्थडे 8वें महीने की 8वीं तारीख को आता है। हाँ मैंने वो भी बता दिया। और वो 8:08 वाली बात तूने तो वो भी बता दिया होगा। हाँ मतलब है बल्लू भी विशेष बच्चा। अरे नहीं वो बात नहीं बताई। क्यों बल्लू लल्लू वो क्यों नहीं बताई, वो भी बता देता है? वो बाद में बताने के लिए भी कुछ रहना चाहिए ना, और इतनी भी क्या जल्दी है ना। मैं सही कहती है बल्लू तो सचमुच लल्लू है। है नहीं मेहर यहाँ, लेकिन है ये बल्लू लल्लू यहाँ। तो अगर है करना कार्य जल्दी पूरा तो कहता हूँ महा भस्म परी से कि मेहर से अच्छा कर ले वो अपहरण इस बल्लू लल्लू का ही। अभी बुलाता हूँ महा भस्म परी को। महा भस्म परी, महा भस्म परी, क्यों चिल्ला रहे हो तबा तबा? ढूंढ लिया मैंने विशेष बच्चे को, मैंने इस महान श्री श्री तौबा तौबा, वो रहा बल्लू। है वही विशेष बच्चा। तुम्हें पूरा विश्वास है ये वही बच्चा है? हाँ 100% है, सुना मैंने अपनी नाक से। ठीक तो मैं अभी इसका परीक्षण कर लेती कि ये वही विशेष बच्चा है या नहीं। कैसे? मैं इस पर अपनी जादुई किरणें छोड़ूंगी, अगर मेरी जादुई किरणें हरी हो गई तो ये वही बच्चा है। हाँ कीजिए बेशक। गलती फंस गया तू तौबा तौबा, भाग यहाँ से भाग। तुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझसे कोई जादुई किरण टकराई है? ये वो बच्चा नहीं है पर यहाँ मुझ पे कौन जादू कर रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं इस नाक को ही गायब कर दूंगी। गलती करने वालों को मैं माफ नहीं करती। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। अगर मैं उस गलत बच्चे को ले जाती नर का दरवाजा खोलने तो वो दानव मुझ पर कितना हंसते। मैं गलती को माफ नहीं करती। दीजिए मेरी नाक। हे सलामत महा भस्म परी, मत कीजिए, कर दीजिए मुझे क्षमा। मुझे क्षमा, वो छोड़ता मैं आपके आगे हाथ। कहा था खुद उस बच्चे ने? झूठ कह रहा था वो बच्चा। क्योंकि मेरी किरणें कभी गलत नहीं होती। गलती तुमने की है, अब तुम। ये क्या है? एक और विशेष बच्ची। मेहर डगली जो पैदा हुई है 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे, और है ये वही कागज जो करते इस बात की पुष्टि। लेकिन है वो दिल्ली में। लेकिन है आ रही वो आज ही मुंबई में कुछ ही घंटों में। तो कर लेते यहाँ पर ही इंतजार हम कुछ घंटे के लिए। नहीं मैं परीलोक और पृथ्वी लोक को बर्बाद करने में जरा भी देर नहीं करना चाहती, इसलिए हम अभी इसी वक्त दिल्ली जाएंगे। चलो। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी। बालवीर खुश रहो, बालवीर खुश रहो। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं नटखट परी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सुरक्षा कवच पे वार किया है। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? भयंकर परी, ये जरूर उस भयंकर परी ने ही किया होगा। हाँ नटखट परी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने सिर्फ मुझ पर ही वार नहीं किया होगा, बल्कि स्कूल के बाकी बच्चों पर भी उसने वार किया होगा। बालवी, ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? यहाँ कोई घटना घटी है क्या? नहीं नटखट परी, यहाँ पे तो कोई घटना नहीं हुई, लेकिन अगर भयंकर परी ने बच्चों पे जादू किया है तो हो सकता है कि वो उन पे वार भी करे। फिर तो मैं तुरंत रानी परी से कहकर पृथ्वीलोक की सुरक्षा और कड़ी करवा देती हूँ। हाँ नटखट परी, आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन उससे पहले स्कूल की इर्द-गिर्द एक सुरक्षा कवच लगा दीजिए। ठीक है बाल। ये क्या? मेरी जादुई किरणें हरी हो गई? इसका मतलब वो विशेष बच्ची यही है, दिल्ली हवाई अड्डे पर। बालवीर, जैसे तुम चाहते थे मैंने स्कूल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा दिया है। अब कुछ देर तक बच्चों पर किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। शुक्रिया नटखट परी, अब बच्चे सुरक्षित हैं, इसलिए मैं निश्चिंत होकर मेहर के स्वागत के लिए जा सकता हूँ। नटखट परी, हम मेहर को तो भूल ही गए, हमें उस पर भी सुरक्षा कवच लगाना होगा। लेकिन बालवीर, मेहर तो दिल्ली में है ना? हाँ नटखट परी, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर भयंकर परी स्कूल में आ गई है तो मैं नहीं चाहता कि स्कूल का कोई भी बच्चा भयंकर परी की वार से असुरक्षित रहे। तो ठीक है, मैं मेहर के इर्द-गिर्द भी सुरक्षा कवच लगा देती हूँ। नहीं नटखट परी, मेहर के पास मैं खुद जाऊंगा। ठीक है बालवीर, रुको। ये लो बालवीर, इसे मेहर को दे दे। इसे पहनने के बाद कोई भी बुरी जादुई शक्ति उस पर असर नहीं कर पाएगी। शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। हेलो हेलो, मैं कैसी है बेटा तू? क्या माँ, आप हर बार यही क्वेश्चन पूछती हैं। बेटा हम लोगों से इतनी दूर है ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। तो माँ, मैं आपके पास पहुँचने वाली हूँ, हम सब एयरपोर्ट पहुँच गए, 3-4 घंटों में मैं आपके साथ होंगी। सच? अरे जल्दी आ जा बेटा, हम लोग सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, बस हम लोग सब तेरा चेहरा देखने के लिए बेटा, पे तू जल्दी आ जा। मेहर, 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 हाँ देख लेना, देख लेना। अरे मेहर बेटा, बेटा डैडी, पापा बोल रहा हूँ, पापा बेटा। अरे मेहर, हाँ, मेहर बेटा, मैं और दादाजी, मैं और तेरे दादाजी हम लोग तुझे एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं। हाँ पापा, पापा मैं ये कह रही थी कि आप अपने साथ मानव को भी लेकर आना। हमें जल्द से जल्द उस विशेष बच्चे को ढूंढना होगा। हाँ तो जाइए आप उस दिशा में, अब वो जाता वही इस दिशा में। हाँ माँ, मुझे प्लेन में खाना खिलाएंगे वो लोग। माँ मैं बल्लू थोड़ी ना हूँ कि गायब हो जाऊंगी।
माँ मैं अपने फ्रेंड के फोन से बात कर रही हूँ, रखो अब। ठीक है ठीक है, बाय बाय। ठीक है ठीक है। थैंक यू जोया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.